ओके लेट्स लुक एट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम अच्छे स्ट्रेटजी का जो प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया uh, इसके अंदर ए, जो स्ट्रेटजी है वो है कि जी हमने सिर्फ हायर और ले ऑफ करना है वर्कर्स को अकॉर्डिंग टू द डिमांड डिमांड ऑफ दैट पीरियड तो बट हमने जो डिमांड है वो रेगुलर प्रोडक्शन के जरिए ही मीट करनी है ओवर टाइम सब कॉन्ट्रैक्टिंग बैक ऑर्डर ये सब अलाउड नहीं है ना ही इन्वेंट्री हम मेंटेन कर सकते हैं सो दिस इज़ बेसिकली जो आ, हमें कंस्ट्रेंट्स प्रोवाइड की गई हैं ये वो कंस्ट्रेंट्स हैं इसके अंदर जैसे कि प्रीवियस भी था 2900 यूनिट्स जनवरी के अंदर रिक्वायर्ड है बिगनिंग इन्वेंट्री 200 है तो ये 2900 में से 200 यूनिट्स जो हैं डिमांड जो है वो बिगनिंग इन्वेंट्री से मीट हो गई तो नेट डिमांड हमारे पास 2700 की रह गई दैट मींस कि चेज स्ट्रेटजी में जैसे मैंने बताया कि हर पीरियड में हम डिमांड को चेज कर रहे हैं तो जनवरी में 2700 की प्रोडक्शन होगी फेबररी में 3200, मार्च में 3500, अप्रैल में 3800 एंड सो ऑन लेकिन ये जो डिमांड मीट होगी ये बाय इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग डिक्रीजिंग द कैपेसिटी होगी मीनिंग हायरिंग और फायरिंग ऑफ द वर्क फोर्स होगी अब ये हमने जो इम्पोर्टेंट है कि वर्क फोर्स हमने कैलकुलेट कैसे करनी है दैट इज इम्पॉर्टेंट ये 2700 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए हर यूनिट के फोर आवर्स चाहिए प्रोडक्शन के पर डे एट आवर्स अवेलेबल है पर वर्कर एंड देर आर ट्वेंटी डेज पर मंथ ये अवेलेबल है तो ये टोटल टाइम अवेलेबल है और उसको हमने 2700 सेवन हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई फोर को इससे डिवाइड किया तो हमारे पास 54 की वर्क फोर्स आई फॉर द मंथ ऑफ जनवरी इसके अंदर जनवरी की ये कैलकुलेशन होगी बाकी कैलकुलेशंस इसी के हिसाब आप से आपने करनी है 2700 की जगह 3200 फॉर फरवरी हम डाल देंगे और उसको कैलकुलेट कर लेंगे मार्च में थर्टी फाइव हंड्रेड डाल के कैलकुलेट कर लेंगे एंड सो ऑन सो फोर तो उसके हमारी इंक्रीज और डिक्रीज होगी ये वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट अब सेकंड जो चीज़ है वो हायरिंग वर्कफोर्स है हायरिंग वर्कफोर्स के अंदर हमेशा हमने जो जिस पीरियड के लिए हमने डिसाइड करना है उसमें से प्रीवियस पीरियड के जो हमारे पास अवेलेबल वर्कर्स थे वो सब कर देंगे क्योंकि ये जो 54 वर्कर्स हैं जनवरी के वो जनवरी के मंथ के एंडिंग वर्कर्स हैं विच आर द बिगनिंग वर्कर्स फॉर फेबर सो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि वर्क फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द मंथ माइनस द बिगनिंग वर्क फोर्स फॉर दैट मंथ तो इस केस के अंदर अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि दिस इज द रिक्वायरमेंट फॉर मार्च कि हमें सेवेंटी वर्कर चाहिए जबकि फोर वर्कर्स आर द बिगनिंग वर्क फोर्स ऑफ मार्च और वी कैंड से एंडिंग वर्क फोर्स ऑफ फेबर तो ये इसका डिफरेंस जो है दैट इज सिक्स एंड दैट इज आर हायरिंग ऑफ सिक्स वर्कर्स फॉर द मंथ ऑफ मार्च इसी तरह हमने बाकी देखना फायरिंग के अंदर बेसिकली ये उलट हो जाएगा क्योंकि हमने पॉजिटिव ले रहे हैं तो हम देखेंगे कि जो हमारे हायर वैल्यू है दैट इज बेसिकली अप्रैल की है कंपेयर टू मे तो हम कहेंगे कि जो बिगनिंग वर्कफोर्स थी या एंडिंग वर्कफोर्स ऑफ अप्रैल या बिगनिंग वर्कफोर्स ऑफ मे माइनस द वर्कफोर्स रिक्वायर्ड इन मे दैट विल गिव अस द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी लेड ऑफ सो इन दिस केस वी हैव सेवनटी सिक्स वर्कर्स अप्रैल में 56 सिक्स वर्कर्स मे की हमें चा, चाहिए सो बेसिकली मे में हमने 20 वर्कर्स को ले ऑफ कर देना है इसकी जो कॉस्ट है हम कैलकुलेट करें प्लान की तो मटेरियल कॉस्ट अगेन 10 डॉलर्स पर यूनिट है रेगुलर प्रोडक्शन कॉस्ट सेम हमने जैसे पहले कैलकुलेट की थी उसी के बेसिस पर होगी कि 2700 सेवन हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय फोर मल्टीप्लाई बाय फोर डॉलर पर आवर के बेसिस के ऊपर that comes to 42, 43,200 फोर्टी थ्री थाउजेंड फॉर जनवरी फेबर में ज्यादा है तो वो 51,000 हो जाएगी जनवरी में हम फोर वर्कर्स हायर कर रहे हैं और 300 हंड्रेड डॉलर पर वर्कर है तो 1200 की कॉस्ट आ रही है ले ऑफ जो हम कर रहे हैं वो बेसिकली मे में और जून में है मे में 20 वर्कर्स को ले ऑफ कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट 10,000 की मे में इनकर कर रहे हैं और टोटल हमारी ये अगर हम इसको सम कर लें सारी कॉस्ट को तो फाइव हंड्रेड एंड फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड की कॉस्ट हमें आ रही है इस प्लान की फॉर सिक्स मंथ्स का जो हमने इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट uh, करना है प्लान जो डेवलप किया है उसकी ये कॉस्ट हमें इनकर कर रहे हैं